आप क्या कह रहे हैं, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोल रहा है ना, इन दोनों का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, ए इंटू बी, ये कितना दे रखा है, माइनस 16 अपॉन 9, बात समझ में आई, क्योंकि ये लिखा हुआ है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस 16 बाई 9, यानी दो रेशनल नंबर ए और बी है, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई क्या है, माइनस 16 बाई 9, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है इफ वन नंबर, वन ऑफ द रेशनल नंबर इज दिस, कह रहा है अगर एक रेशनल नंबर को, इन दोनों में से कोई एक रेशनल नंबर अगर माइनस 4/3 है, तो मान लेते ए, ए कितना दिया हुआ है, माइनस 4/3 दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा, यानी बी निकालना है आपको, कोई भी एक मान लो, अगर बी को तुम मान लेते माइनस 4/3, तो ए निकालना पड़ता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसमें क्वेश्चन में क्या है, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है और एक रेशनल नंबर दे रखा है, तो दूसरा निकालना है क्या होगा। जैसे सब इससे सिंपल लेके चलो, मान लो तुम्हारे एग्जाम में 100 नंबर आ गए टोटल, टोटल तुम 100 नंबर पाए, मैथ्स में पाए 20 नंबर, इंग्लिश में पाए 20 नंबर, हिंदी में पाए 20 नंबर, संस्कृत में पाए 20 नंबर, तो इंग्लिश में कितना नंबर होगा, कैसे बताओ, टोटल है 100 नंबर और एक सब्जेक्ट में 20 20 20 20 चार सब्जेक्ट में पाए हो, तो पांचवे सब्जेक्ट में कितना नंबर होगा, ये अपॉन 69 कितने नंबर में आएगा, नहीं 80, तो 80, ये टोटल 80 नंबर हो गए, हाँ। और तुम्हारे थे कितने 100, तो जो बचा है उसमें कितने नंबर आए होंगे तुम्हारे, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, तो 20 नंबर तो पाए होंगे लास्ट वाले में, ये कैसे निकाला गया, क्योंकि सब में अगर 20 20 आए हैं तो ये 80 हो गए और टोटल 100 नंबर आए थे, तो लास्ट वाले में क्या होगा, 100 में से 80 माइनस कर दो तो इतने नंबर तुम्हारे लास्ट वाले में होंगे, अरे भाई 20 रुपए का सेब खरीदा, 20 रुपए का केला खरीदा, 20 रुपए का अंगूर खरीदा, 20 रुपए का कुछ और खरीदा, और 100 रुपए तुम टोटल लेके गई थी, तो तुम्हारे पास कितना रुपए बचा, 20 रुपए बचा, क्योंकि 100 में से 80 घट चुके हैं, तो लास्ट तुम्हारे पास लास्ट वाले में कितने नंबर आए, 20 नंबर, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि अगर दो का प्रोडक्ट माइनस 16 बाई 9 है, अगर दो को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है और एक दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा, बी क्या होगा, तो अब इसमें करते क्या है, बी को यही रोक लो, बी को यही रोक लो जो नहीं पता होगा, जो पता है उसको इक्वल टू के इधर ले जाना, मतलब उसको क्या करना है, उसको बॉर्डर पार कराना, मतलब बी को सही है, हाँ बी को इधर ही रखो जो नहीं पता है, हाँ। जो नहीं पता है वो अभी भारत में ही है, हाँ, जो नहीं पता है वो अभी अपने देश में बैठा हुआ है, ठीक हाँ। है हाँ। जो पता हुआ है उसको दूसरे जो, देश जैसे इसको वीजा नहीं मिला है, हाँ। दूसरे देश में जाने के लिए वीजा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, इसके पास पासपोर्ट है ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं कुछ, इसके पास पासपोर्ट है तो ये बॉर्डर पार कर जाएगा, तो अब इसको बॉर्डर पार करा दो, और जैसे ही ये बॉर्डर पार करेगा इसका जो साइन है मल्टीप्लाई वाला वो चेंज हो जाएगा, डिवाइड है, वो पलट जाएगा, वो डिवाइड, तो कैसे हो जाएगा, माइनस 16/9 तो ये है ही और यहाँ इनटू है, तो ये इनटू किस में बदल जाता है, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा माइनस 4/3 इसमें डिवाइड में, बात आ गई समझ में, अब बी की वैल्यू क्या हुई, माइनस 16/9, डिवाइड तुम कर नहीं पाओगे, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डिवाइड को सॉल्व करने का क्या तरीका, डिवाइड की जगह लिखो मल्टीप्लाई, और इसको पलट देंगे, इसको पलट दो, अब ये 3/-4 हो जाएगा, ये नंबर ही पलट दिया, क्योंकि डिवाइड हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन थोड़ा टफ है, इसको आसान करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो और ये इस वाले को पलट दो, आ गया, तो अब क्या होगा, ऊपर से ऊपर वाले को करते हैं, नीचे से नीचे वाले को करते हैं, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 16 × 3, तो 16 × 3 क्या हुआ, 16 3 6 18 8 कैरी 1 3 1 48 48 और 9 3 36 माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया, अब देखो दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, हां ये हुआ आपका 24, ये हुआ 18, फिर आ रहे 2 के टेबल में, ये हुआ 12, ये हुआ 9, अब देखो 2 की टेबल में तो नहीं आ रहे हैं दोनों, लेकिन 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, सर ये हो गया 3 4 12 3 3 है, अब क्या है, अब नहीं कटेगा ये, तो इसका आंसर क्या हुआ, 4/3
आंसर, यानी दूसरा नंबर क्या था 4/3, पहला नंबर था -4/3। ये पीछे 8 और 6 2 से कटा तो 24, 2 से कटा तो 18, फिर 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 2 12 से 24, 2 9 से 18। अब ये 2 के टेबल में ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, लेकिन आना चाहिए दोनों, दोनों आने, दोनों कटने चाहिए सेम। 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 4 से 12 3 3 से 9, अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे, तो आंसर क्या हुआ 4/3, यानी बी का ही है।